ठीक है देखो भाई, मैंने 1500 की पहली बार ईयरफोन ली है और उस ईयरफोन को लगा के सुन के टेस्ट करके फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। ऐसे नहीं बनाई है आपके लिए बेस की बेस कैसा देखने को मिलता है, लिटरली बता रहा हूँ। जब मैंने इसको पहली बार प्लग करके गाना सुना ना, कोई भी बेस वाला, ओवरऑल एट लास्ट मैं आपको साउंड क्वालिटी के रिगार्डिंग एक बात यही कहूंगा कि इसकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी ओके तो आपने देख ली इसकी अनबॉक्सिंग और अब हम बात करने जा रहे हैं इसके रिव्यू के बारे में। तो ये है हमारा सैनेजर का CX275S। क्या आपको 1500 रुपए डालना इस ईयरफोन के अंदर जो सैनेजर कंपनी की तरफ से आता है, क्या वो सही रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि यार मैंने पहली बार किसी ईयरफोन के अंदर मैंने 1500 रुपए डाले हैं। वैसे मेरे को 1450 रुपए की पड़ी है सेल में, ये आपको आसपास मिल जाएगी, 1500 के आसपास ही रहती है, ठीक है? तो आप मिनिमम प्राइस देख लेना, मतलब नेट पे आपको पता लग जाएगी, तो उतने में ही खरीदना, ठीक है? सेल का इंतजार कर लेना, उतने में ही खरीदना, सेल में प्राइस कम हो जाएगी। देखो मैं आपको सब कुछ क्लियरली आज बताने वाला हूँ, 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, हम बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, हम बात करेंगे नॉइस कैंसिलेशन के बारे में, हम बात करेंगे बेस के रिगार्डिंग, हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी के रिगार्डिंग और लास्टली हम करेंगे इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी के रिगार्डिंग। तो शुरू कर लेते हैं इस ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग। तो देखो ये ईयरफोन, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसकी मेरे को बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर आप रफ एंड टफ यूजर हो ना, तो मतलब ये ईयरफोन जल्दी आपका साथ छोड़ सकती है, और मैं यही रफ एंड टफ यूजर हूं, ठीक है? मेरे को पता है भाई, मैं बहुत अपनी ईयरफोन घिस चुका हूं, काफी ईयरफोन तोड़ी है मैंने, काफी मजबूत भी तोड़ी और काफी घटिया क्वालिटी की भी तोड़ी है। इसकी मेरे को बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, काफी ज्यादा पतली वायर्स आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। एक बात और, जो ये ईयरफोन है यार पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, इसके अंदर 1% भी आपको मेटल का यूज देखने को नहीं मिलने वाला है। 1500 रुपए ले रहे हैं, 1500 रुपए, और उसके अंदर भी इन्होंने बिल्ड क्वालिटी बढ़िया नहीं दी है, ठीक है? दूसरी बात कि यार ये आपको देखने को मिलते हैं काफी ज्यादा लाइट वेट, काफी ज्यादा हल्के, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आप इसको कान के अंदर पुट करोगे ना, तो आराम से पुट हो जाएंगे, आराम से लग जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। एक बात और बता देता हूँ, कान में पुट करने के बाद अगर आप जितना भी हिलोगे ना, तो बिल्कुल भी आपकी ईयरफोन गिरने नहीं वाली है, ठीक है? ये पहली ईयरफोन है, पहली ईयरफोन जो मैंने ली है, जो कि मेरे कान में अच्छे तरीके से आराम से लग गई और बिल्कुल भी निकली नहीं। लिटरली बता रहा हूँ कि आप एक बार जब इसे कान में लगाओगे ना, तो सवाल ही नहीं बनता कि ईयरफोन आपके कान से निकल जाए, इतनी लाइट वेट है और इतनी अच्छे तरीके से कान में घुस जाती है। अब बात कर लेते हैं नॉइस कैंसिलेशन के बारे में, कि जो बैकग्राउंड में नॉइस आपको देखने को मिलती है उसको कितना हद तक ये कम कर देता है, कितना दबा देता है, और आपको कितनी हद तक बाहर की आवाज आती है। तो देखो जैसे आप इसे लगाओगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, एकदम से ऐसे डाउन जाएगा ना मीटर, देखो मीटर डाउन जाएगा, बाहर की आवाज इतनी ज्यादा डाउन हो जाएगी, आपको इतना ज्यादा अच्छा लगेगा ना, इतनी शांति मिलेगी, लिटरली बता रहा हूँ कि मतलब देखो 90% तक ये साउंड कर देता है कम, और अभी भी मेरे को बस मेरी आवाज सुनाई दे रही है। देखो मेरी तो देगी देगी, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाहर अभी जितना भी शोर था ना एनवायरमेंट में, वो सारा डाउन हो चुका है, और सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। तो नॉइस कैंसिलेशन अच्छा है इसका।
अब बारी आती है इस ईयरफोन के बेस की, कि बेस कैसा देखने को मिलता है। लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने इसको पहली बार प्लग करके गाना सुना ना, कोई भी बेस वाला, पहले तो मैंने सुना बेस बूस्टेड सॉन्ग, और मैं तो आपको यही बता रहा हूँ कि यार सुनने के बाद जितना गाने के अंदर आपको बेस देखने को मिलता है ना, उतना ही इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जितना देखने को मिलता है गाने के अंदर उतना ही आपको सुनाई देगा। मैं आपको बता रहा हूँ वो पंचीनेस नहीं है, वो धम धम वाली, पर हाँ जो ये बैकग्राउंड से जो बेस उठाता है ना, मतलब ऐसा तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बयान नहीं कर पा रहा। बस आप एक बार सुन के देखो, इतना तगड़ा, इतना क्लियर, मतलब इतना तगड़ा बेस आपको देखने को मिलता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। बेस इसका अच्छा है, ठीक है, मेरे को ओवरऑल काफी अच्छा लगा है। वो पंचीनेस नहीं है, ज्यादा धमक वाली, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना ही देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो कुछ पीछे टेक्निकल डाटा इसका लिखा हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका आप देख सकते हो कि 17 हर्ट्ज से लेकर 23,000 हर्ट्ज देखने को मिलता है। कम साइड आपको रिप्रेजेंट करती है बेस की, और जो 23,000 हर्ट्ज है वो आपको रिप्रेजेंट करता है यार सॉन्ग की डिटेल्स को लेकर, कितनी क्लैरिटी आपको देखने को मिलती है, वोकल्स क्लियर है या नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर देखने को मिलते हैं, क्रिस्प एंड क्लियर देखने को मिलते हैं, बिल्कुल भी आपको डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलती है। जब आवाज आप तेज करोगे तो बिल्कुल भी आवाज फटने नहीं वाली, ठीक है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई 70% से ज्यादा वॉल्यूम तेज करना मत। मैं ऐसा बंदा हूं कि भाई जो भी ईयरफोन अभी तक लिया फुल 100% पे सुनता था, बट जब मैंने इस ईयरफोन को प्लग करा और मैंने उसकी वॉल्यूम कर दी 100% और दबाया प्ले का बटन, मेरे कान झंझना आ गए भाई, मैंने तो कर दी सीधा मीटर डाउन। और मीटर डाउन करने के बाद भाई पता लगा ईयरफोन काफी तगड़ी है, आराम से आपको क्लियरली सारी इंस्ट्रूमेंटल साउंड, सारी चीजें, एनसीएस के सॉन्ग सुन लो आप, कोई पुराने गाने सुन लो आप, इंग्लिश सॉन्ग सुन लो, हिंदी पंजाबी मिक्स जो मर्जी सुन लो, भोजपुरी भोजपुरी सब सुन लो आप, इतनी क्लियर आवाज आपको देखने को मिलेगी ना, मैं आपको क्या बताऊं। दूसरी बात आती है साउंड प्रेशर लेवल, इसका आपको देखने को मिलता है 121 डेसिबल। और इंपेडेंस की बात करी जाए तो 60 ओम आपको देखने को मिलती है, तो पावर कंजप्शन भी इसकी काफी कम है। ओवरऑल एट लास्ट मैं आपको साउंड क्वालिटी के रिगार्डिंग एक बात यही कहूंगा कि इसकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी एक नंबर की है, आपको एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, एकदम तगड़ी साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस आपका A1 होएगा, गारंटेड मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ईयरफोन के अंदर, ठीक है। देखो भाई मैंने 1500 की पहली बार ईयरफोन लिया और उस ईयरफोन को लगा के सुन के टेस्ट करके फिर मैंने ये वीडियो बनाई है, ऐसे नहीं बनाई है आपके लिए, तभी बोल रहा हूँ ईयरफोन की साउंड क्वालिटी A1 है, मैं बिल्कुल भी नंबर इसके नहीं काटने वाला। साउंड क्वालिटी में एक बात बताना मैं भूल गया आपको कि इसका ड्राइवर साइज कंपनी ने रिवील नहीं करा है कि इसका ड्राइवर साइज क्या है। अब बात कर लेते हैं यार माइक्रोफोन की क्वालिटी के बारे में कि इसका माइक्रोफोन कैसा है। जब मैं कॉल करता हूँ ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, कॉलिंग इंडोर में भी काफी तगड़ी है, आउटडोर में भी काफी तगड़ी है, किसी बंदे ने भी एक बार भी ये कंप्लेंट नहीं करी है कि भाई तेरी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है, ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई है, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है इसके माइक्रोफोन के अंदर, ठीक है। तो माइक्रोफोन इसका काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं आपको सुना देता हूँ कि माइक्रोफोन की आवाज इसकी कैसी देखने को मिलती है। तो अभी जो आप आवाज सुन रहे वो सुन रहे बोया के BY-M1 माइक से, तो अब जो आपके पास आवाज आ रही है वो आ रही है सेनाइजर के माइक्रोफोन की तरफ से। कैसी आवाज आ रही है मेरे को बताओ। ये रहा इसका माइक्रोफोन, मैं थोड़ी सी आवाज करके देखता हूँ कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, मैं तो जब एडिटिंग करूंगा मेरे को तब पता लगेगा। तो अभी आप बताओ कि आपको आवाज कैसी आ रही है, और ये आवाज आ रही है जब मैं अपने माउथ के पास इसका माइक्रोफोन लेके आ जाता हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि माइक्रोफोन की आवाज कैसी देखने को मिलती है। एक बात और, कमेंट सेक्शन में पहले सवाल आ जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ पहले ही अपनी वीडियो में ही बोल दूं कि देखो भाई पबजी खेलने के लिए कैसी ये ईयरफोन आपको देखने को मिलती है, एक नंबर की ऑसम ईयरफोन है भाई, ऑसम। पबजी खेलनी है तो यार गो फॉर इट, लिटरली बता रहा हूँ गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एनिमीज की आवाज, फुटस्टेप्स की आवाज एक नंबर की आने वाली है, कहीं से भी आ रही हो सब कुछ पता लग जाएगा, और बैकग्राउंड में इतने अच्छे तरीके से आपको साउंड की पता लगेगी ना कि कहां से फुटस्टेप्स आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने इसके अंदर खेल के देखा है तभी आपको बता रहा हूँ कि गो फॉर इट, लिटरली भाई गो फॉर it। और आपको कैरिंग पाउच भी आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप आराम से अपनी ईयरफोन ले जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से एक जगह रख देना पाउच में डाल के, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जाते जाते एक बात और बता देता हूँ कि मैं आपको इस ईयरफोन को रनिंग करते वक्त यूज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्सरसाइज करते वक्त भी यूज़ कर सकते हो। देखो एक्सरसाइज करते वक्त नहीं, बट रनिंग करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। मैंने इसको लगाया, भागा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल भी निकलती नहीं है। तो ध्यान
रखना रनिंग करने के लिए आप ले सकते हो, बाकी आप पे डिपेंड करता है, ब्लूटूथ पे भी जा सकते हो। और एक आपको इसके अंदर राइट एंगल टिप भी देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी बात है, तो काम आएगी अगर आप पबजी खेल रहे हो तो इसको लगा लेना, आपके हाथ में बिल्कुल भी वो चुभेगा नहीं। तो सब कुछ समेट अप कर लेते हैं और हम बात कर लेते हैं कि क्या ये ईयरफोन लेने लायक है या नहीं है। देखो सब कुछ मैं बता ही चुका हूँ आपको और मैं आपको यही बात कहूंगा कि गो फॉर इट, लिटरली बता रहा हूँ, एक नंबर की ईयरफोन है, आपको लिटरली बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली। बस बिल्ड क्वालिटी से अगर आप थोड़ा सा सहमत हो तो आप देख लेना, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी मेरे को अच्छी नहीं लगी है। पर एक बात और देखने को मिलती है कि 2 साल की गारंटी देखने को मिलती है, 2 साल की, और सैनाइजर की इंडिया में आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 साल की गारंटी है तो काफ़ी बेहतरीन बात है, जाओ भाई लो इससे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, बेस्ट बाय लिंक है, वहीं से खरीदना, चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। बस यार इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक ले बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।